मध्य प्रदेश में महिला अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। हरपालपुर में गुंडों ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की। लड़की के पिता जब अपनी बच्ची को बचाने आए तो गुंडों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। हरपालपुर थाने के गुड़ इलाके में अपने भाई के साथ खेल रही नाबालिग दलित लड़की के साथ इलाके के दो बदमाशों ने छेड़छाड़ की और गलत नीयत से उसे पकड़ लिया। गुंडों से बचने के लिए नाबालिग लड़की ने खेत में काम कर रहे अपने माता पिता को आवाज लगा दी। लड़की के पिता जब गुंडों से अपनी बेटी को बचाने पहुंचे तो इन युवकों ने पिता की डंडे से पिटाई कर दी और भाग गए। पीड़ित परिवार ने घटना की शिकायत थाने में जाकर की। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची अपने माता पिता के साथ में खेत गई हुई थी, जहाँ पर आरोपी जितेंद्र राजा करके हैं और एक है फूलचंद यादव। तो जितेंद्र राजा के द्वारा बच्ची के साथ गलत नीयत से गलत हरकत की गई और तभी उसके माता पिता भी लड़की के खेत पर ही थे। उसने आवाज़ लगाई, उसके माता पिता भी आ गए मौके पर और उन्होंने उक्त व्यक्ति से कहा कि ये घटना क्यों करी, इस तरह की हरकत क्यों करी। तो जब ऐसे विरोध किया, उनके द्वारा विरोध किया गया तो जो संबंधित दूसरा व्यक्ति है फूलचंद यादव करके एक व्यक्ति था, तो उसने पीड़िता के पिता के साथ डंडे से मारपीट करी और जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से चले गए मौके से। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।